अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है कोलोड्रा में वेरिएबल आउटलाइन टूल्स। जी हाँ, इससे पहले मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था वो वेरिएबल आउटलाइन टूल्स का सिर्फ बेसिक मैंने सिखाया था। आज मैं इस पर तफसीली ट्यूटोरियल बना दूँगा ताकि इसका असल मकसद क्या है और ये किसी तरह हम डिज़ाइन में यूज़ कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा तफसीली वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा होगा और उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल से आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस लीफ से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसी लीफ को मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लीफ है पत्ता है, ये सिर्फ दो कलर्स है और इसके ऊपर आउटलाइन है। ठीक है, और ये अलहदा अलहदा शेप है। ये सिंपल सा मैंने बना दिया, लेकिन इसको हम कैसे खूबसूरत करेंगे तो इसमें इसके लिए हम वेरिएबल टूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसी आउटलाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ और वेरिएबल टूल लेकर, और हम कहाँ पर ये नूट लगाएंगे, दरमियान में भी नहीं, टॉप में भी नहीं, लास्ट के आखिर में, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा करेंगे मोटा। ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा मोटा। ठीक है, अब जो दरमियान वाला लाइन है हम उसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको भी लास्ट से हम थोड़ा सा कर देंगे मोटा। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और उसको भी मैं लास्ट से कर दूंगा थोड़ा सा मोटा। इसी तरह इसको भी हम कर देंगे, इसी तरह इसको भी। ठीक है, अगर आप इसी लाइन को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप मज़ीद उसको मोटा कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए कि पहला वाला लीफ किस तरह था और ये वाला आप कैसा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो बेल नीचे जो डाउन साइड है वो मोटा है और ऊपर तिरछा है। आप इसको मज़ीद भी आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं कि यार मुझे इसको मज़ीद मोटा करना चाहिए। तो वेरिएबल टूल से आप ये ऑलरेडी सेलेक्ट होता है तो आप मज़ीद उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है ना मज़ीद शेप लगा सकते हैं और उसको बेहतरीन बना सकते हैं। अब मैं इसको सेट पर कर देता हूँ और इसी फ्लावर को लेके आता हूँ। अब इस फ्लावर से मैं पहले ले लूँगा कापी, मैंने लीफ की कापी नहीं ली लेकिन मैं इसकी ले लूँगा क्योंकि मैं उसी वक्त भूल गया था। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसकी जो है ना इसी लीफ का जो है ना वेरिएबल टूल से उसके ऊपर वाला सतह को करना है थोड़ा सा मोटा, इसको भी हम कर देंगे, इसको भी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर एक ऊपर मोटा ज़्यादा छोटा। और इसको भी आप कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइट लग रहा है। तो इसी तरह आप छोटे मोटे डिज़ाइनों में भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसी एलिफेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया गूगल से। ठीक है, और ये मैंने बना दिया अपनी जो है ना लाइन आर्ट से। अब मैं इसको अभी सेट पर कर देता हूँ और उसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूँगा तो ये सारा है अनग्रुप पीसीस, मैंने रफ सा बना दिया लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कोशिश की। अब इसकी जो कान है आप वेरिएबल टूल में जाकर और यहाँ से, क्योंकि ये मोटा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, आप इसको मैं भी कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ।
अब इसकी जो ना ये लेग्स, लेग को भी मैं यहाँ से कर दूंगा। अब इसकी दुमें, तो दुम भी ऊपर से मोटा होते हैं। ये लेग अच्छा, इसका जो पैर है ना ये इस सेट से मोटा है, तो मैं यहाँ से उसको यहाँ से ड्रैग करूँगा। अगर आप गौर से देखें तो ये पैर यहाँ से मोटा होता है, ठीक। अब जो जो हिस्सा आपको मोटा नज़र आ रहा है तो आप उसको दोबारा क्लिक करके वेरिएबल से आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा है उसको सेलेक्ट कर दें, वेरिएबल से आप यहाँ से आप कर दें। इसके आईब्रो जो है इसको आप इस तरफ से आप मोटा कर सकते हैं। इसके आई को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब इसका जो है ये वाला हिस्सा है तो ये भी ऊपर से मोटा है, तो मैं यहाँ से उसको अब मैं दोबारा इसी दूसरी पैर को कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर ये हिस्सा है तो भी ये मैं वेरिएबल टूल से अब ये वाला हिस्सा अब ये लेग रह गई है। अब इसको मुझे ज़्यादा ऊपर से मोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ऐसा कम कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से अब आप गौर से देखें कि पहले वाला एलिमेंट कैसा था और ये। अब मैंने इसी की कॉपी नहीं की, मैंने सिर्फ एक नज़र इसको देखा है, बाकी मैंने ये खुद से डिज़ाइन कर दिया और ख़ुद से मैंने कर दिया। अब अगर आप चाहे तो ये पैर यहाँ लेके आए और इसको भी यहाँ पर कॉपी कर दें, यहाँ पर उसको कॉपी कर दें और उसको डबल क्लिक कर दें और घुमा दें, तो आप किसी भी किस्म की डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन असल जो वेरिएबल टूल्स का इस्तेमाल है वो इसी तरह डिज़ाइनों में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप ज़्यादा कर दें, इसको भी आप ज़्यादा कर दें, इसको भी आप ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो आप जिस तरह भी चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट टू था, इसमें मज़ीद आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन ट्यूटोरियल हो जाएगा लंबा। लेकिन असल मकसद और असल इस्तेमाल जो है ना, जैसे मैंने एलिमेंट का डिज़ाइन पर ये काम किया है, असल मकसद इसका ये है, ठीक है। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।